समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर बीजेपी का कमल थामने वाले बुक्कल नवाब का ये रूप जिसने भी देखा हैरान रह गया। एमएलसी चुनाव में पर्चा भरने के बाद पिछले मंगलवार को बुक्कल नवाब हजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचे थे। भगवा कपड़े में हनुमान मंदिर पहुंचे बुक्कल नवाब ने बाकायदा भक्ति भाव से घंटा बजाया और मंदिर में 20 किलो का घंटा भी चढ़ाया। बजरंग बली को फूल और प्रसाद चढ़ाने के बाद उन्होंने हनुमान जी की प्रार्थना भी की। लेकिन बुक्कल नवाब का हनुमान भक्ति वाला ये रूप देवबंदी उलेमाओं को रास नहीं आया। देवबंदी उलेमाओं ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं ऐसे लोग इस्लाम से खारिज हैं। जाय नहीं बल्कि सख्ती के साथ मनाए, बल्कि इस्लाम से खारिज है। अगर कोई आदमी किसी भी तरह से अल्लाह के अलावा किसी की पूजा करता है या उस तरह के वो अरकान अदा करता है जो इस्लाम धर्म से, जिनको इस्लाम धर्म में मना किया गया है, तो वो इस्लाम से खारिज है बिल्कुल। वो इस्लाम धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। बुक्कल नवाब हो या कोई भी हो, कोई भी मुसलमान हो। बुक्कल नवाब को इस्लाम से खारिज करने के इन दावों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से सवाल किया गया तो सुनिए उनका जवाब क्या था। अजय भाई, बुक्कल नवाब जी हैं, उनको इस्लाम से बाहर कर दिया है क्योंकि उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की है। किसने कर दिया बाहर? क्यों कर दिया बाहर? कितने इस्लाम के ठेकेदार बनेंगे? किस किस को करेंगे बाहर और क्यों करेंगे? कौन मुसलमान है, कौन नहीं है, ये कौन तय करने वाले हो गए लोग? उधर बुक्कल नवाब धार्मिक आस्था को लेकर उठ रहे सवालों से जरा भी विचलित नहीं हुए। वो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का समर्थन कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनका पूरा परिवार हनुमान जी का भक्त रहा है। उनका दावा है कि लखनऊ में दोनों मंदिर उनके पूर्वज अलिया बेगम ने ही बनवाए थे। देश का संविधान हर व्यक्ति को उपासना की आजादी देता है, ऐसे में किसी की निजी आस्था को लेकर उसे धर्म से बेदखल करने की बात करना कहाँ तक जायज है।